हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का नेक्स्ट सम हम रीड करने जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा सम पे। मैं सम रीड कर रही हूँ। चेतन और केतन साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 150,000 रुपये और 1,00,000 रुपये है। 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उन्होंने पूंजी पर 10% वार्षिक से तथा आहरण पर 12% प्रतिवर्ष के दर से ब्याज आहरण की अवधि को ध्यान में न रखते हुए लगाने एवं चेतन को 1,000 रुपये प्रतिमाह वेतन देने के पूर्व 66,000 रुपये का लाभ अर्जित किया। वर्ष के आहरण थे चेतन 24,000 रुपये व केतन 12,000 रुपये। लाभ हानि नियोजन खाता तथा 31 दिसंबर 2018 को साझेदारों के खाते बनाइए, जबकि अ पूंजी स्थाई व पूंजी परिवर्तनशील है। इंग्लिश में रीड कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। चेतन एंड केतन आर इन पार्टनरशिप विथ कैपिटल ऑफ 1,50,000 एंड 1,00,000 रिस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 66,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 12% पर एनम रिस्पेक्टिव इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड एंड सैलरी टू चेतन एट 1,000 पर मंथ। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर पर चेतन 24,000 एंड केतन 12,000 रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2018 व्हेन ए द कैपिटल आर फिक्स्ड एंड बी द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। इस सम में जो मेन थिंग है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले दोनों पार्टनर्स की कैपिटल हमें दी हुई है 1,50,000 एंड 1,00,000 रुपीज़। प्रॉफिट ऑफ द ईयर दिया है 66,000 और हमें बोला है कि कुछ चीज़ों का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% पर एनम इन रिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। यानी यहाँ हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया है, चेतन एंड केतन के ड्रॉइंग्स के अमाउंट भी दिए हैं 24,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली, बट हमें कोई ड्यूरेशन नहीं दी है कि मंथ के स्टार्टिंग में किया है या मंथ के एंड में विड्रॉ किया है अमाउंट या मंथ के मिड में। दैट मीन्स जब कोई पीरियड हमें पर्टिकुलर नहीं दिया हुआ होता है ड्रॉइंग्स का, तो उस कंडीशन में हम 6 मंथ पर एनम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे ड्रॉइंग्स के इंटरेस्ट का। ओके, देन इसके अलावा हमें बोला है चेतन को सैलरी प्रोवाइड की जा रही है 1,000 रुपीज़ पर मंथ। ये 1 मंथ के अकॉर्डिंग है, हम 12 मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे इसका। एंड सम में हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की दोनों कंडीशन यानी दोनों मेथड से हमें बनाना है, यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दोनों ही मेथड से हमें यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम अपना कैलकुलेशन पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले चेतन की कैपिटल है 1,50,000, जिसका 10% अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 15,000 रुपीज़। देन केतन का अगर आप कैपिटल 1,00,000 रुपीज़ का 10% निकालते हो तो वो आएगा 10,000 रुपीज़। बात करते हैं हम ड्रॉइंग्स की, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब अगर पार्टनर्स ने जो विड्रॉ किया है अमाउंट उसका कोई स्पेसिफिक पीरियड प्रोवाइडेड नहीं होता, तो उस कंडीशन में हम 6 मंथ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ चेतन की ड्रॉइंग्स है 24,000, 12% इंटू 6 मंथ डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12, तो ये आ जाएगा हमारा 1,440 रुपीज़। एंड हम बात करें केतन की, केतन ने 12,000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं, तो इंटू 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12, 720 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा केतन का। अब चलते हैं हम अपने अकाउंट्स की ओर। सबसे पहले हम बात करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की, वो हम प्रिपेयर करते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018, हमारा ड्यूरेशन।
डेबिट साइड क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट्स ही हमारे कॉलम्स है सब। तो सबसे पहले ईयर का जो प्रॉफिट है हमारा वो हम रिकॉर्ड करेंगे इसमें बाय बैलेंस बीडी। हमें सम में 66,000 रुपीज अमाउंट प्रॉफिट का गिवन है। देन हमें बोला था कि उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एडजस्ट नहीं किया है, तो हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। चेतन का अभी हमने कैलकुलेट किया 15,000 एंड केतन का 10% अकॉर्डिंग 10,000। दोनों के अमाउंट को हम टोटल कर लेंगे 25,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लिखेंगे हम। उसके बाद सम में हमें बोला है 12% पर एनम से ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चेतन एंड केतन, चेतन का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अभी हमने कैलकुलेट किया था 1,440 रुपीज़ एंड केतन का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट किया था हमने 720 रुपीज़। दोनों के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम टोटल कर देते हैं तो ये आएगा 2,160 रुपीज़। सम में हमें आगे बोला है चेतन को 1,000 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड की जाती है, यानी 12,000 रुपीज़ टू चेतन्स सैलरी 12,000 रुपीज़। इसके अलावा सम में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिगार्डिंग कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि डेफिनेटली हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। हम टोटल कर लेंगे तो इसका टोटल आ रहा है 68,160 रुपीज़। इसमें से हम 37,000 जो हमारा डेबिट साइड का टोटल आएगा उसे माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल अमाउंट आ जाएगा, यानी डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 31,160 रुपीज़। यहाँ इस सम में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। इट मीन्स दोनों पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड होगा। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेतन एंड केतन दोनों के ही शेयर में 15,580 रुपीज़ जो है एस प्रॉफिट जाएंगे। ठीक है, दोनों साइड का टोटल करके और डबल लाइन ड्रॉ करके हम चलते हैं अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो सबसे पहले जो हम कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं जिस मेथड से, मैंने सबसे पहले यहाँ पे मेथड ली है व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, यानी फ्लक्चुएटिंग मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना हम स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी हमारा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड है, बट नंबर ऑफ कॉलम्स जो है यहाँ बढ़ जाएंगे। डेट पर्टिकुलर्स दोनों पार्टनर्स के नेम्स यानी अमाउंट के कॉलम्स चेतन एंड केतन, अगेन डेट पर्टिकुलर्स चेतन एंड केतन। तो सम की शुरुआत सबसे पहले हम कैपिटल का बैलेंस करके करेंगे, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है। यहाँ कैपिटल के बैलेंस से लगाकर सारे एडजस्टमेंट रिगार्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसी अकाउंट में हो जाते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस लिखकर। ईयर स्टार्टिंग यानी 1st of January को हम बैलेंस लिखेंगे इसमें बाय बैलेंस बीडी। चेतन के बैलेंस है कैपिटल का 1,50,000 एंड केतन का बैलेंस है 1,00,000। देन नेक्स्ट हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेतन 15,000 एंड केतन 10,000, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेतन 15,000 एंड केतन 10,000 रुपीज़। आफ्टर दैट हमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो दी थी वो थी रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड सम में हमें ड्रॉइंग्स का भी अमाउंट दिया हुआ है, तो वो दोनों भी हमें रिकॉर्ड करना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर 31st of December को टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। चेतन का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था 1,440 एंड केतन का 720। ड्रॉइंग्स दिया हुआ है सब में हमें दोनों पार्टनर्स का 31st December टू ड्रॉइंग्स। चेतन ने ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया है 24,000 एंड केतन ने विड्रॉ किया है 12,000 रुपीज़। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई थी सम में चेतन की सैलरी की 1,000 रुपीज़ पर मंथ यानी टोटल 12,000, इसे भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे ओनली चेतन के कॉलम में बाय सैलरी
ओनली चेतन के अमाउंट वाले कॉलम में 12,000 और केतन के कॉलम में कुछ भी नहीं, डैश। देन सबसे एंड में तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम इसे यानी इन दोनों अमाउंट्स को ट्रांसफर करेंगे बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देख सकते हैं आप 15,580 रुपीज़। हमारे सारे अमाउंट्स रिकॉर्ड हो चुके हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब हम क्रेडिट साइड के टोटल्स करेंगे एंड देन डेबिट साइड के टोटल से उसे माइनस करके अपना बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। चेतक के अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल आ रहा है यहाँ पर 1,92,580 रुपीज़ एंड केतन का टोटल आ रहा है 1,25,580 रुपीज़। इन दोनों के टोटलों को यानी टोटल्स को हम माइनस करेंगे डेबिट साइड के अमाउंट के टोटल से, तो यहाँ आपका बैलेंस आ जाएगा चेतन का 1,67,140 रुपीज़ एंड केतन का आ जाएगा 1,12,860 रुपीज़। आपको ये डिफरेंस फाइंड आउट करके और देखना है ताकि आपको कैलकुलेशन भी समझ में आए कैसे किए गए हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ, चेतन का क्रेडिट साइड का टोटल है 1,92,580 और अगर आप इनके डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा 25,440। तो इनको आप माइनस जब करोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 1,67,140 रुपीज़, जो कि ये वाला अमाउंट है, ओके। इसी टाइप से आप केतन का भी बैलेंस निकालने के लिए ट्राई करना। अब हमारे दोनों साइड का जो टोटल है आफ्टर रिकॉर्डिंग बैलेंस इक्वल हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हमें एक और मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है, दैट इज व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम देख लेते हैं, ओके। व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स होती है तो उस कंडीशन में दो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओनली जो बेसिक कैपिटल है उसका अमाउंट रिकॉर्ड किया जाता है और उसे बैलेंस में ट्रांसफर कर दिया जाता है एंड बाकी के जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, कमीशन एंड व्हाटएवर एंड P&L अप्रोप्रिएशन ऑब्वियसली, ये सारे जो एडजस्टमेंट है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाते हैं। दैट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो ऑलवेज रिमेन सेम, यानी वो हमेशा सेम रहता है। करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो चेंज होता रहता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही चेंज होता है, लाइक अगर पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है या फिर परमानेंटली कैपिटल को विड्रॉ कर लिया है तो ओनली उसी कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज होता है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होता उसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट दोनों का सेम रहेगा, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड के कॉलम्स डेट, पर्टिकुलर्स, चेतन, केतन, देन अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, चेतन एंड केतन, सेम एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट का भी फॉर्मेट एज इट इज सेम रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें सब में दोनों के जो बैलेंसेस हैं कैपिटल अकाउंट के वो दिए हुए हैं, तो हम 1st of January को रिकॉर्ड कर लेंगे इसे बाय बैलेंस BD 1,50,000 एंड 1,00,000 रुपीज़ एंड यही अमाउंट जो है वो ईयर के एंड में क्लोजिंग बैलेंस की तरह रिकॉर्ड होगा। 31st December टू बैलेंस CD 1,50,000 एंड 1,00,000 रुपीज़ एंड दोनों साइड के टोटल्स इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ये बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा, देन सेम बैलेंस जो है वो ईयर बाय ईयर ट्रांसफर होता जाता है जब तक कि कोई स्पेशल चेंज नहीं आता। बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की, तो स्टार्ट करते हैं इसे हम। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सब में हमें दी हुई थी रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 31st December को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे, चेतन 15,000 एंड केतन 10,000। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास रिगार्डिंग ड्रॉइंग्स, 31st December को टू ड्रॉइंग्स,
चेतन की है 24,000 एंड केतन की है 12,000। इन ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया है हमने, कैलकुलेट किया है 31 दिसंबर को टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। चेतन का है 1,440 एंड केतन का है 720। देन 31 दिसंबर को हमें एक और इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग सैलरी। तो बाय सैलरी, सैलरी ओनली चेतन को प्रोवाइड की जाती है 12,000 रुपीज़ की। तो चेतन के कॉलम में 12,000 और केतन के कॉलम में डैश। देन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा प्रॉफिट आया था 31 दिसंबर को बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोनों के अमाउंट के कॉलम में सेम अमाउंट आएगा 15,580। बस यहाँ हमारी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। हम चेतन और केतन के क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। यहाँ पर चेतन का टोटल है यहाँ पर 42,580 और केतन का टोटल है यहाँ पर 25,580। इसमें से हम डेबिट साइड के टोटल्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसा मैंने लास्ट आपको फ्लक्चुएटिंग में की कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बताया था चेतन का बैलेंस निकाल कर, एज इट इज़ इन सेम वे हम 42,580 में से 25,440 को माइनस करेंगे तो हमारा चेतन का बैलेंस आ जाएगा 17,140 एंड केतन का बैलेंस आएगा, जब आप 25,580 में से इन दोनों का टोटल यानी कि 12,720 को माइनस करेंगे तो केतन का बैलेंस आ जाएगा 12,860 रुपीज़। ओके, तो इस टाइप से ये सम सॉल्व किया जाता है। इस सम में कैपिटल की दोनों मेथड्स देने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको दोनों कैपिटल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं दोनों मेथड से ये समझ में आए और उसमें क्या डिफरेंस आता है ये चीज़ समझ में आए। तो इस वीडियो में ये सम हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।